और वही क्या हाल चाल सबके, कैसे हो सब? तो गाइस आज ही मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है, सो भाई वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट स्टोरी के साथ, एंड हम बात करने वाले हैं रॉकी एंड एक्स के बारे में। तो वो अपने रिसेंट स्ट्रीम पे गुस्सा हो गए थे कुछ यूट्यूबर्स के ऊपर जो फ्री फायर बैन को लेकर फेक वीडियोस बना रहे हैं, जैसे कि मोदी जी की फोटो लगा देना और उनके कुछ फेक ट्वीट्स दिखाना। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा आप सुन सकते हैं। मैं काफी खफा हूं, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बाय द काइंड ऑफ चाइल्डिशनेस व्हिच हैज बीन शोन बाय रेस्ट ऑफ द फ्यू क्रिएटर्स। सबकी बात नहीं करूंगा, मुझे काफी अचंभा हो रहा है कि जिस किस्म के फेक स्क्रीनशॉट्स को थंबनेल पे क्लिकबेट करके क्रिएटर्स लगा रहे हैं और कह रहे हैं हम व्यूज के लिए नहीं कर रहे। अगर आप व्यूज के लिए नहीं कर रहे हो तो आप फ्री फायर बैन अनबैन करके 24 के गोल्डन मोड या सैमसंग पारा परफेक्ट मत लगाइए गाइस, प्लीज, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। ये एक बहुत सीरियस मैटर है, इसको प्लीज कोई अपना इशू मत बनाइए, सबका इशू है। जो बंदा बिल्कुल कुछ भी बिना सिर पैर की बातें कर रहा है उनको बिल्कुल भी नजरअंदाज कीजिए, वो सिर्फ अफवाहें हैं, रूमर हैं। कोई भी आके कुछ भी लिख रहा है, 24 के गोल्डन मोड थंबनेल पे देखो फ्री फायर हो रहा है बैन, मोदी जी ने कर दिया कमेंट। मतलब अब मोदी जी के पास यही काम रह गया है कि भाई वो आके गेम को अनबैन और बैन करेंगे। गाइस फॉर गॉड सेक थोड़ा सा गाइस दिमाग लगा लेना और किसी भी रबिश क्रिएटर की किसी भी वीडियो पे या बातों पे भरोसा मत कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी तरह, एंड कमाल है ब्लैक फ्लैग आर्मी के बारे में। तो ये काफी बड़े फ्री फायर के यूट्यूबर है, तो वो 3 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स, बट आज एक स्टोरी पोस्ट की जहां उन्होंने बताया कि उनके साथ एक काफी बड़ा स्कैम हो गया। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है क्लाउड ई-स्पोर्ट, ये स्कैम कर रहा है। इसके बारे में और बात करते हुए वो अपने स्टोरी पे ये कहे, वी वेयर ऑल यूट्यूबर्स एंड फ्री फायर कम्युनिटी, क्लाउड ई-स्पोर्ट करके एक ऑर्ग है जो कि स्कैमर है, ब्रांच शीट लाके देगी बट पेमेंट नहीं देगी, टोटली स्कैमर है। तो यार गाइस अगर आप भी एक यूट्यूबर है तो भाई ये सब चीजों का ध्यान रखना। तो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी तरफ, एंड कमाल है नॉनस्टॉप गेमिंग के बारे में। तो आप लोग इनको जानते होंगे, ये इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी में काफी ज्यादा फेमस है, एंड अपने चैनल पे मेनली वर्सेस टाइप के कंटेंट डालते हैं, जैसे कि इंडियन सर्वर वर्सेस बाहर के प्लेयर्स के साथ। तो आज से दिन पहले अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जहां उन्होंने दिखाया कि वियतनाम का एक प्लेयर पहले इंडिया के प्लेयर्स को नूब एंड बॉट बोल रहा था। पहले आप लोग क्लिप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसके बाद नॉनस्टॉप गेमिंग उस बंदे को बोलते हैं कि आ जाओ हमारे प्लेयर्स के साथ 4v4 करो, बट वो बंदा क्या करता है कि अपनी टीम में एक हैकर को बुला लेता है और नॉनस्टॉप गेमिंग अपने लाइव स्ट्रीम पे ही उस हैकर को पकड़ लेते हैं। जी हाँ, और वो हैकर काफी ज्यादा डर जाता है। जी हाँ, मैं आपको छोटा सा पार्ट प्ले करके दिखाता हूँ। भाई ये बंदा अलग ही खेल रहा है गाइस, जिसका तो मैं स्क्रीन शेयर के लिए बोलता हूं। आई थिंक सो मे बी ये हैकर है गाइस, ये प्लेयर आ चुका है डीसी पे। अरे जेड अचीवर, ओपन जेड अचीवर, ओपन जेड अचीवर, हां देखा, हां अब ये पूरा लैंग्वेज ही इसका चेंज है। एम लॉक, एम लॉक, एम लॉक, एम लॉक, एम लॉक, व्हाट इज दिस ब्रो? दे एम लॉक, व्हाट, दिस इज फाइल, दिस इज फाइल, दिस इज फाइल, या या या, चला गया सारा, हटा दिया। हां इसने हटाया 110%, इट्स नॉट हैकिंग सॉफ्टवेयर। तो गाइज फिर हम लोगों ने सोचा कि इसको ट्रांसलेट करके ये बोलते कि डाउनलोड वाला फोल्डर ऑन करो। पहले तो फोल्डर ही ऑन नहीं कर रहा था ये, फिर फोल्डर इसने ऑन किया तो ये यहाँ पे पकड़ा गया। ओपन हो गया, ओपन है, डाउनलोड्स वो दिख रहा है, डाउनलोड्स, ओपन डाउनलोड्स, देखो देखो जानबूझ के नहीं काफी बड़ा फ्री फायर चैनल है विद ऑलमोस्ट 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। बट आज अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट किया जहाँ उन्होंने बताया जितना वीडियो डाल रहा हूँ उतना सब्सक्राइबर माइनस हो रहा है, इससे बेटर है वीडियो ना डालू और किसी दूसरा काम ढूंढू। आज वो एक वीडियो अपलोड किया जहाँ पे अपने चैनल के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम शेयर किए, छोटे से पार्ट में आपको उनकी वीडियो से प्ले करके दिखाता हूँ। फुल वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। पता नहीं गाइस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मेरे साथ, मतलब मेरे साथ ही क्यों होता है मेरे को पता नहीं गाइस, मतलब बुरा हो रहा है गाइस बहुत, ठीक है। मेरा जो सब्सक्राइबर है डे बाय डे माइनस हो रहा है गाइस, मतलब पता नहीं यार 1000 सब्सक्राइबर माइनस कैसे हो जाता भाई, एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर माइनस, ठीक है। और सेकंड जो प्रॉब्लम हो रहा है मेरे चैनल के साथ, वो मेरे चैनल का जो रिकमेंडेशन है वो पता नहीं डे बाय डे लो हो जा रहा है, और सब्सक्राइबर तो भाई इतना माइनस हो रहा है ना, मतलब मेरे को रो देने का मन कर रहा है। बिकॉज बट जब सब्सक्राइबर माइनस होता है ना तब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इस कसम से बता रहा हूँ। मतलब डे बाय डे भाई 1000 सब्सक्राइबर माइनस हो जाएगा ऐसे तो मेरे को मतलब कुछ बनाने का मन थोड़ी करेगा यार, मतलब यूट्यूब वाले खुद से जो है मेरे को डीमोटिवेट कर रहा है। अब बताओ मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ गाइस, और मेरे को ना सब्र भी नहीं हो रहा, और ऐसा लग रहा है कि वीडियो डालो ही ना गाइस, समझ रहे हो, वीडियो डालता हूँ तुरंत सब्सक्राइबर माइनस हो जाता है और मेरे को मतलब फुल डीमोटिवेट हो जाता हूँ गाइस, समझ रहे हो। पता नहीं गाइस क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, डे बाय डे व्यूज भी कमते जा रहा है कमते जा रहा है, सब्सक्राइबर माइनस हो जा रहा है, ये सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है मेरे को। आई रियली होप उनके चैनल के साथ जितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो सून फिक्स हो जाए। तो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी की तरफ, एंड हमारे लोकेश गेमर के बारे में। तो गाइस अगर मेरे काफी पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको याद होगा कि आज से काफी महीने पहले, आई थिंक ऑलमोस्ट 7 या 8 महीने पहले लोकेश गेमर बताए थे कि वो खुद का एक गेमिंग हाउस बना रहे हैं। तो आज फाइनली वो इसके रिगार्डिंग अपडेट दिए, वो कुछ स्टोरीज पोस्ट किए थे, आप देखिए उन्होंने क्या कहा।
सो गाइस मैं अपना न्यू गेमिंग हाउस रिवील करने वाला हूँ 3 से 4 डेज के बीच में, जिसमें 60-70 लाख रुपीस लग गए पूरा डिजाइन करवाने में। सो बहुत ही खतरनाक गेमिंग हाउस आने वाला है। चलिए और तगले स्टोरी तरह आज के वाले अनग्रेजुएट गेमर के बारे में। तो गाइस आप सभी लोगों को पता होगा कि जितने भी यूट्यूबर्स गरेना के पार्टनर प्रोग्राम में है वो उन सबके अकाउंट पे वी बैच देती है, और अनग्रेजुएट गेमर भी उनमें से एक थे। अभी मैंने थे इसलिए बोला क्योंकि आज अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया बाय टाइटल व्हाई गरेना रिमूव्ड माय वी बैच, सच क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप देख सकते हो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाय द वे मैं आपको उन्हीं की वीडियो से छोटा सा बार प्ले करके दिखा देता हूं। तो ऐसे कभी सोचा नहीं था ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें एक चीज की कमी है, वो है वी बैज। और वही क्वेश्चन भाई उस दिन लाइव में तुम लोगों ने ऐसी तैसी मार दी यार, ग्रैंड मास्टर पुशिंग कर रहा हूं, वी बैज वी बैज वी बैज चल रहा है चैट में। फिर मैंने सोचा चलो मॉडरेटर से बात करता हूं, उसके वास्ते हमारे मॉडरेटर से कभी कॉन्टेक्ट हुए ही नहीं भाई। ठीक है, मॉडरेटर से कॉन्टेक्ट करते तो उनको लगता है कि भाई हम फ्री फायर वाले बैन वाले क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई फ्री फायर बैन हो, क्योंकि वो क्या करे ना कुछ बोली नहीं रही उस टॉपिक पे अभी। गाइस आपको पता ही है मैंने बहुत जाननी है कुछ की, लेकिन कुछ रीजंस मेरे को पता है, मतलब 70% आप मान सकते हैं, लेकिन बहुत अटपट है यार। आप भी सुनोगे तो यार गंदे सी रीजन लगेंगे वो आपको। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ना आपको कि क्या यार गंदी सी चीजें चलती रहती है पॉलिटिक्स टाइप। ठीक है, अभी अंदर ही अंदर सोच के बहुत मेंटली डिस्टर्ब होता हूं यार इन चीजों के यार। मैं मेरे को आपको उसी टाइम में बतानी थी जो भी था सीन, ठीक है, लेकिन गलत इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है, या किसकी वजह से हो रहा उन पे गलत इम्पैक्ट ना पड़े। लेकिन हमें वो किसी की फिक्र नहीं यार, मैं क्यों हरेसमेंट झेलूं, समझ रहे हो ना आप, एक बंदा कब तक कितना झेल सकता है। ठीक है, तो क्लियर होता है ना ये चीज है कि वही रीजन है जो भी अटपटा है गंदा सा रीजन, मैं आपको बताऊंगा वो चीज है। ठीक है, एंड इसी वीडियो के नीचे कोई कमेंट करता है वी बैच नहीं है, आयुष भी लाइक अब कौन सा नेपोटिज्म है, तो अनग्रेजुएट गेमर रिप्लाई करते हुए कहे पॉलिटिक्स। अब आप लोग इस चीज के बारे में क्या सोचते हो, ऐसा कौन सा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से गरेना उनको हटा दी, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताएगा। तो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी तरह एंड कमेंट टोटल गेमिंग के बारे में। तो कल उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट किए थे, फ्री फायर का एक स्मॉल अपडेट है कल तक मैं देता हूँ सबको। अब वो किस चीज के रिगार्डिंग अपडेट होगा वो तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देसी गेमर उनको रिप्लाई करते हुए कहे डर का माहौल है। एंड आज उन्होंने ट्विटर पे एक और ट्वीट किए, फ्री फायर का नो अपडेट सॉरी। अब ये कौन सा अपडेट था ये भी राज बन चुका है टोटल गेमिंग के फेस्टिवल की तरह। एनीवेज अभी अपडेट का बात चल रहा है तो बात कर लेते हैं फ्री फायर के बारे में। तो टेक्निकल गुरु जी जो कि टेक के काफी बड़े यूट्यूबर हैं, एक दिन पहले अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जहां उन्होंने बताया कि सून फ्री फायर का इंडियन वर्जन आ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी तरह आज के वाले बैच 99 के बारे में। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे बैच 99 तो आपको अकाउंट मिलेगा अभी तो 6 लाख फॉलोअर्स। एंड इस पेज पे काफी सारे ऐसे पोस्ट हैं जो काफी ज्यादा अश्लील है, जैसे कि फ्री फायर के फीमेल कैरेक्टर्स को एडिट करना एंड बहुत सारी बॉलीवुड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज की फोटो डालना लाइक्स के लिए। तो गाइस मैं आपको क्लियरली बता दूं ये बैच 99 नहीं है। एंड आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि अगर ये रियल बैच 99 नहीं है तो इसके अकाउंट पे 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स कैसे हैं। तो गाइस इस बंदे ने क्या किया है कि अपने अकाउंट पे रियल वाले बैच 99 का लिंक दे दिया चैनल का, एंड अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप सीधा बैच 99 के चैनल पे पहुंच जाओगे। तो आई थिंक इसी की वजह से बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये रियल है एंड इसको फॉलो किए जा रहे हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस फेक अकाउंट का लिंक दे दिया, आप जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि भाई आजकल तो ये बंदा ये सब पोस्ट कर रहा है, अगर कल को फेक आईडी सेलिंग करेगा या फिर कुछ भी स्कैम करेगा तो ऑब्वियसली बैच 99 को ही हेट मिलेगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को जरूर से लाइक कर देना एंड मैं आपको मिलूंगा फिर किसी वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।